I'll have to ask my accountant about जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल लो, मैं तो प्यारा सा चमकार। ओरे मैथ स्टार्ट हो गया, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़े भावना में बहक गया था। चलो यार, आज हम लोग ना कुछ अलग जगह पर उतरते हैं। आज हम लोग खेलने वाले हैं एक रैंक मैच। हाँ, एक ही रैंक मैच खेलने हैं और वो भी सोलो का होगा। और ये क्या है, ये ठीक है यार, बरमूडा का मैप लगा है, तो आज हम लोग कुछ अलग जगह पर उतरते हैं, क्योंकि यार क्लॉक टावर पे ना मैं बहुत ही कम उतरता हूँ। और मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग क्लॉक टावर पे उतरते हैं, क्योंकि पिक के बाद एक और रेजिंग प्लेस जो है वो है क्लॉक टावर, नहीं तो भाई फैक्ट्री के छत के ऊपर होता है। बट यार अपने पास फिस्ट वेस्ट का ताकत इतना ज़्यादा नहीं है। चलो यहाँ पर अपन लोग अभी क्लॉक टावर पर उतरने वाले हैं। भाई मैं फिर से फाल को लाना भूल गया, ये क्या वैगर ऐसे क्यों तोतले फैला के उड़ रहा है भाई, ऐसे पक्षियों की तरह उड़ता है कोई। लोल यार, ये बंदा मेरे से पहले तो नहीं उतर जाएगा जो राइट में आ रहा है। ओके सो मुझे अभी गन मिल चुका है, पर बंदा कहाँ पर है? अरे बंदा उतर चुका है, पता नहीं यार कहाँ पर उतरा, बट वो घर के अंदर है। ठीक है, घर के अंदर है तो मुझे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई घर के अंदर वो बंदा है, उसके पास कुछ भी गन वगैरह हो सकते हैं, और मेरे पास एक भी शॉर्ट रेंज नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो अभी पहले एक शॉर्ट रेंज का तलाश है। और यहाँ पे मेरे पास दो लॉन्ग रेंजेस पड़े, एक है AK-94 और एक है M60। तो गाइस जल्दी से जल्दी मुझे ओ भाई बंदा देख चुका है मुझे, लूल यार। ओ भाई मारने लगा है भाई, कुछ भी यार, ऐसे मत मारो। ऐसे थोड़ा खोपड़ी दिखा, तेरा खोपड़ी सेट करता हूँ भाई। बंदा बड़ा ही शाना यार, शॉटगन पकड़ा है इसलिए बाहर खोपड़ी नहीं दिखा रहे। चलो कोई बात नहीं, अपन कुछ गन भी उठा लेते हैं, इसलिए अपने को भी फायदा हो जाएगा, ताकि अपन भी उसको शॉटगन में मार सके। और यहाँ पर से मुझे मिल चुका है एक शॉटगन, और जिसका कि रेंज बहुत कम है और रेट ऑफ फायर भी इसका कम है भाई, मुझे ये खराब लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे वो बंदे की तलाश में जाना चाहिए। नहीं यार, अभी तो पहले मुझे एक वेस्ट ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता यार वो बंदा अगर वेस्ट हेलमेट सब कुछ ले गया है तो भाई मेरा तो बिल्कुल खटिया खड़ी हो जाएगा। अब यार यहाँ पर से ना मुझे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। चलो यार कोई बात नहीं, वो बंदा आ गया। लोल यार, अपना तो किस्मत ही फूटा है भाई, जल्दी जल्दी यार नीचे जाना ही सही रहेगा बिल्कुल। ओके वो बंदा मुझे ढूंढता, ओ भाई ढूंढता हुआ आ गया। इसकी तो ओ भाई क्या ही मार पड़ा इसे, इसको तो हिमोट देखना बनता है भाई। ये मुझे ढूंढ ढूंढ के ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आ गया भाई। देखते हैं इसके पास क्या क्या गन थे। ओके, मुझे इससे स्नाइपर मिल गया भाई, और रे इसके पास MP40 और डबल बैरल थे, बट उसके बाद भी वो बंदा मुझे नहीं मार पाया। सो गाइज, यहाँ पे ये बंदे को मारने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा मजा आया। वैसे यार मुझे स्नाइपर मिल गया, जो कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये गेम में आगे। बट यार यहाँ पर से ना मुझे और भी कुछ लूट चाहिए, क्योंकि यार मेरे पास सिर्फ एक ही ग्लूअल है, और यहाँ पे एक Level 3 का बैग पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो आगे ले जाओ। सॉरी मैं सोलो खेल रहा हूँ। अरे बंदा एक भाग के जा रहा है, इसको तो स्नाइपर से ही मारूंगा सिर्फ। ओके 150, ओह भाई मेरे स्नाइपर के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। अब यार मुझे लगता है कि क्लॉक टावर से सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, और मुझे क्या करना है इसके बाद, वो बात तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं इसके बाद क्या करूं? लेकिन खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, झटका। सो गाइस, पतलू ने क्या ही जबरदस्त आइडिया बताया। उसने बताया कि यहाँ से जो भी तगड़े वाले गन मिलते हैं उसे लूट ले और फैक्ट्री चला जाए, उसके बाद पोचिन और फिर पिक करके एक राउंड मार के आ जा, फिर देखना तुझे सारे बंदे मिल जाएंगे और जोन भी खत्म हो जाएगा। तो भाई मुझे पतलू का आइडिया भी बिल्कुल बढ़िया लगा, और यहाँ पर से मैं फिर से ढूंढने लगा हूँ कि सबसे तगड़ी वाली गन कौन सी है। वैसे तो यार मेरे हिसाब से अभी मेरे पास तगड़ी वाली गन है जो कि है स्नाइपर, और मेरे पास स्नाइपर में से है AWM, और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि क्या इससे ज़्यादा कुछ तगड़ी वाली गन हो सकती है यहाँ पर जो मुझे मिलेगा। ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ और गन नहीं मिल रहा, तो पतलू के बातों के हिसाब से मुझे भी चले जाना चाहिए फैक्ट्री की तरफ। और मैं यहाँ पर भी सारा अपना लूट मचा चुका हूँ, मेरे पास हो चुके अभी तीनों ग्लूअल, और भाई स्नाइपर पकड़ा हूँ विद MP40, मतलब कि भाई टेंशन ही नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे फैक्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री पे जाने से पहले भाई पहले तो ये वाले जगह को बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा टाइम बंदे बैठते हैं, और भाई यहाँ से जो बंदा निकलता है या फैक्ट्री की तरफ से जो बंदा आता है उसको चिपका देते हैं हेड। बट यार अभी मेरा किस्मत सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अभी बिल्कुल बिना दिक्कत के जा सकता हूँ फैक्ट्री, और वहां पर अपग्रेडर पड़ा है अभी तक। वाह भाई, किस्मत अभी तक मेरा खुला है, मेरे पास अभी भी है Level 3 का वेस्ट, और जो कि अभी अपग्रेड होके हो जाएगा Level 4 का, भाई मतलब मजा ही आ जाएगा। ओके सो अभी पहले यार मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, सामने कुछ स्नाइपर पड़ा है शायद से। ओके मेरा अभी वेस्ट हो चुका है 4,
और यहाँ पे पड़ा M8 2B। तो गाइस क्या M8 2B पकड़े, मेरे पास 3 का ग्रिप तो था MP40 का, पर चलो यार एक बार रिस्क तो लेना ही चाहिए अपने लाइफ पर, तो ले लेते हैं यार। आज दो दो स्नाइपर पकड़ेंगे और देखते हैं क्या अपन लोग दो दो स्नाइपर के साथ बंदों की खटिया खड़ी कर पाते हैं। ओके सो यहाँ पर से मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा जितने लूट हो सकते उतने लूट ले लेने चाहिए, और फैक्ट्री में मुझे यहाँ पे कोई भी बंदे का वनक नहीं चला, तो मैं भी सीधा चले जाता हूँ पोचिनॉक पर। देखते हैं क्या पोचिनॉक पर बंदे हैं। अब यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी मुझे बंदे मिलेंगे, क्योंकि यार पोचिनॉक का मैं पूरा का पूरा देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ और बहुत सारा जगह लूट भी मार चुका हूँ, और मुझे सैपर के एमओ मिले बट यार एक बंदा नहीं मिला। क्या करें यार, अब मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक बंदा है, क्योंकि मुझे उसका सर दिखा। तो थोड़े राइट से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदा ना वहाँ पर जो सीधे बैठता है उसको हम लोग ये वाले जो लाल कलर का छत है उसके ऊपर से इजीली ट्रेस करके मार सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में मारा भी है। वैसे यार धीरे धीरे करके ये वाले छत के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जाके वो वाले बंदे को पीछे से करते हैं सरप्राइज अटैक। मुझे तो लगता है कि बंदा वहीं पर होगा, आप लोग क्या लगता है ज़रूर बताना। वैसे यार इस वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 23,333, तो प्लीज़ यार ये कंप्लीट कर देना। अभी मैं चढ़ता हूँ इसके ऊपर और बंदे के हेड को देता हूँ और उसे देता हूँ सरप्राइज अटैक। हो बंदा, अरे बंदा यहाँ पर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, बंदा तो वहीं पर था, तो वहीं पर ही हो सकता है यार, कहीं अलग जगह तो नहीं चला गया। मुझे बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक भी शॉर्ट रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज के तौर पर मेरे पास है जीवन हिट लेवल यार। ओके सो गाइज अभी मैं पकड़ा हूँ M8 2B और AWM और दोनों ही स्नाइपर के साथ मैं एक घर के ऊपर रश कर रहा हूँ। मुझे पहले देख लेने चाहिए लैंडमाइन है क्या। ओ भाई लैंडमाइन है, हाँ यार। ओके सो वो बंदे को मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अभी भी वो बंदे का कुछ भी चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है। अब यार मुझे डाउट लग रहा है कि क्या वो बंदा सही में ये वाले घर पे है। यहाँ पर लूट भी पड़ा है, मतलब कि वो बंदा यहीं पर आसपास कहीं तो था। 4x पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, बट बंदा कहाँ पर है यार। बंदा यहाँ पर घर छोड़ के चला गया है क्या कहीं। ठीक है यार ये वाले घर पे ओ सामने कौन है। अब यार मुझे जो लग रहा है कि ये वाला बंदे को ना बहुत ही जोरों का बाथरूम आया था, इसलिए ये बंदा यहाँ पे अपना गेम छोड़ के चला गया है। अब यार आके जब देखेगा कि उसका शमशान घाट वहाँ पर बन चुका है तो भाई बहुत रोएगा। चलो मुझे तो मजा आ गया बिल्कुल इसको मार के। अब इससे भाई क्या ही मजेदार लूट मुझे मिल रहा है। कुछ ग्लूअल वगैरह है क्या। अरे भाई ग्लूअल भी है, भाई साहब कितने सारे ग्लूअल है। ओ भाई बहुत ही ओपी, 8 ग्लूअल हो गए मेरे पे भाई, बहुत सारा लूट इसके पास था। ओके सो गाइस यहाँ पर ना मेरे पास बहुत ही ज्यादा लूट हो चुका है। अब यार मैं किसी से नहीं डरता, नहीं यार सबसे डरता हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट रेंज नहीं है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा दूर के बंदों को मार पाऊँ। ठीक है यार यहाँ पर मैं पिक के ऊपर भी एक बार अपना नजर झपका लेता हूँ, क्या पता अगर बंदे मुझे पिक पर भी मिल जाए तो यहाँ पर भी मैं एक दो का लाश लेकर ही जाऊंगा। अब मैं पिक को अच्छे तरीके से देख तो लिया बट वहाँ पे मुझे एक भी बंदा नहीं मिला। उसके बाद मैं डायरेक्टली चल पड़ा बीमा शक्ति की तरफ और वहाँ पर भी सेम नतीजा, एक भी बंदा नहीं मिला। और मैं थोड़ा सा आगे जब गया और नज़र अपना झपकाया तो मुझे सामने ग्लूअल पड़ा हुआ दिखा, तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद से वहाँ पर कोई एक बंदा हो सकता है। तो मैं पहले आ गया एक कवर के पीछे, मतलब एक पेड़ के पीछे, कवर नहीं बोल सकते। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपना गोला बारूद करना स्टार्ट कर दिया और मुझे ये बात पता चला कि बंदा वहाँ पर नहीं टावर के ऊपर है। तो टावर के ऊपर एक दो सेकंड पिन करने के बाद ना वो बंदा अपना पलक झपकाया, मतलब सॉरी वो बंदा अपना सर उठाया और मैं भी उसको देख पाया कि वहां पर एक बंदा तो है। तो मैं ऐसे स्कोपिंग कर रहा था कि मेरा जो गोली था उसके हेड पर ही चला गया। भाई बहुत ज्यादा हंसी आई, सही में बता रहा हूँ उस टाइम, और आप लोग भी देख सकते हो यार, मतलब कि बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, बस ऐसे ही मारा और हेड पे चला गया। चलो यार मुझे मजा आया। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता टावर के ऊपर कोई एक बंदा और होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपिंग कर रहा था, तो मैं उसके पास भी जाके अच्छे से लूट लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या यहाँ पर कोई लैंडमाइन वैंडमाइन तो नहीं। यार लैंडमाइन तो कुछ नहीं लगा, बट ये वाले बंदे के पास एक भी ग्लूअल नहीं था। चलो यार मुझे इनहेलर तो मिल गए, 6 इनहेलर बहुत ही ओपी है। अब मुझे चले जाना चाहिए जोन की तरफ, क्योंकि जोन भी हो रहा है छोटा। अब यहाँ पर अगर कोई अच्छे से देखे ना तो भाई मेरे लेफ्ट साइड में बंदे जा रहे थे, राइट साइड पे भी बंदे जा रहे थे, और मैं जा रहा था अकेला और बिल्कुल बीचों बीच। और सामने अगर वो स्नाइपर टावर में कोई एक बंदा होता ना तो भाई बोल रहा हूँ 100% मेरा खोपड़ी बिल्कुल उड़ा देता। बट मेरा किस्मत इतना ज़्यादा सही था कि ये वाले स्नाइपर टावर के ऊपर कोई भी एक बंदा नहीं था। चलो अभी तो मेरे हिसाब से मुझे चले जाना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ बीच में मुझे कोई भी एक अच्छा जगह नहीं दिख रहा है जहाँ से मुझे कवर मिल सके। और यहाँ पर भी मैं देख रहा कि अगर मुझे बंदे मिल जाए तो मैं यहीं से उनका खोपड़ी उड़ा दूं। नहीं यार यहां पर से तो मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, तो मुझे अभी पहले के पहले तो भाई फैक्ट्री के अंदर ही चले जाना चाहिए। और वहां पर फाइट चल रहा है, मतलब कि भसड़ में अपना भी फायदा हो सकता है, अगर किसी को पीछे से मार दिया तो अपना भी किल उठ जाएगा। ओके सो
अभी चलते हैं, अभी चलते हैं डायरेक्टली बिल्कुल फैक्ट्री के। ओ सामने एक बंदा जा रहा है भाग के, अभी यहाँ से स्कोप करते हैं। और अगर कोई बंदा, हाँ यार किसी का पैर दिख रहा है 123 का। ओ भाई 123 के शॉट से वो बंदा गायब। अब मुझे यहाँ पर से ना बहुत सारे स्नाइपर के एमओ मिल चुके हैं और मेरे पास ना बहुत सारे स्नाइपर के एमओ है भी, और बंदे सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 16। तो देखते हैं मैं और कितने ज्यादा किल कर पाऊंगा ये वाले मैच में। अब बंदा मेरे सामने जा रहा है, ओके। अरे भाई थोड़ी सी गलती के लिए ये बंदा मेरे सामने से हट गया। चलो अभी देखते हैं सामने क्या। हाँ यार यहाँ पे है, तो इसको नॉर्मल स्कोप से मारते, देखो यार कितना ज्यादा मजा आएगा। और ये वाला गन, ओ भाई रिलोड पे पड़ा था भाई, शिट यार, नहीं तो ये वाले बंदे को भी मैं ऐसे ही ले जाता। चलो यार ये बंदा इस घर के अंदर है, ठीक है, तो इसको कुछ अलग तरीके से मारते हैं, ठीक है। ग्रेनेड से मारने की ट्राई करेंगे, बट सामने पे भी बंदे हो सकते हैं तो मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता, ठीक है। पहले जाके घर को कवर कर लेते हैं जिससे कि वो बंदा ज्यादा बाहर ना पाए, ठीक है। तो ओके घर को हम आधा कवर कर चुके हैं, अभी पकड़ लेते हैं अपने हाथ में एक ग्रेनेड। अब देख लेते हैं सामने कोई बंदा तो नहीं है ना। नहीं यार बंदा तो नहीं है। अभी ग्रेनेड को लेके वो वाले घर पे फेंकते हैं, देखते हैं क्या ये वाले ग्रेनेड से वो बंदा मरता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी, और हो भाई ग्रेनेड से किल आ गया भाई साहब, मतलब कुछ भी। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि ये एक नॉर्मल ग्रेनेड था, मतलब कि बंदा वहां से बच के निकल सकता था। बट मुझे लगता है कि शायद से वो बंदे ने सोच लिया होगा कि ये वाला एक टाइमर ग्रेनेड है जो कि हम लोग कुक करके फेंकते हैं। ओ यहाँ से भी मुझे मिल रहा है स्नाइपर के एमओ, वाह भाई वाह। यहाँ से मैं पहले यार ग्लूअल लूट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे अभी ग्लूअल का स्टॉक पड़ चुका है, जो कि अभी हो चुका है बिल्कुल 13 भाई साहब, मतलब कि अभी ग्लूअल का राजा मैं बनने वाला हूँ। अब वो राजा प्रजा की बात छोड़ो, अब पहले जोन पे निकलते हैं, क्योंकि जोन भी अभी थोड़ी देर में छोटा हो जाएगा और सिर्फ 36 सेकंड बचे हैं। चलो और यहाँ पर से मुझे पीछे भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मैं सामने से निकल जाता हूँ ना तो पीछे वाले बंदे हर वक्त फायदा ले जाते हैं। तो मैं बिल्कुल जोन के साइड से पीछे से होके जाऊंगा, और सामने जो भी बंदा होगा ना, अगर मैं उस बंदे को हेडशॉट दिया ना, सही बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं हेडशॉट दे पाऊंगा कि नहीं, बट अगर हेडशॉट दिया ना तो प्लीज़ यार आप लोग पता नहीं क्या करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बस, मुझे पता नहीं। अब बंदे मुझे मिलेंगे कहाँ, अब मुझे यहाँ पर से वैसे तो कोई बंदे नहीं दिख रहे हैं। ओ यहाँ पर एक बंदा, अरे लिटरली ओ माय गॉड टुरुला। अब ये बात तो मैं बिल्कुल आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि ये बार भी मेरा हेड लग जाएगा। चलो मुझे पीछे से कोई एक बंदा मारा, जब मैं इमोट दिखा रहा था, तो इसका मुझे बदला लेना है, बदले की आग में मैं अभी तप सॉरी जल रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बंदा नहीं दिख रहा है, तो मैं बदले की आग लो कहाँ से। चलो मैं पहले नीचे चले जाता हूँ, क्योंकि जोन यहाँ पर नहीं है। वो बदले की आग वो ले रहा है मेरे से भाई, ठीक है, मेरे दो हाथ में भी आग जल रहे हैं, मैं अपने आग से अपने को सेक लेता हूँ। चलो गंदा मजाक था, अब हंसना मत, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बंदे नहीं दिख रहे हैं, और तो थोड़ा मुझे बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो यार बंदे यहाँ से वैसे भी मुझे नहीं दिखने वाले, ठीक है। और यहाँ से मुझे लगता है कि बंदा मुझे अभी दिख जाएगा, क्योंकि जोन हो रहा है श्रिंक, और वो बंदा निकलेगा तो ज़रूर बाहर। और हाँ यार निकला, और 71 का एक शॉट पड़ा, और यहाँ पर पड़ा बट नहीं पड़ा, ऐसे कैसे। अब नेहा दीदी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं मारते ना, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको नहीं मारता, लड़कियों को मैं वैसे नहीं मारता। बट पता नहीं नेहा दीदी आपको कोई एक बंदा और आ रहा था यहाँ पर मारने, जिसको कि अभी मैं मार रहा हूँ, और वो बंदा ग्लूअल पे ग्लूअल लगाते जा रहा है। मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास तो है M8 2B, मतलब कि ग्लूअल फोड़ के जाएगा गोली, और यहाँ पे एक गोली लग जा। नहीं लगा यार, मेरे बहुत सारे गोलियाँ मिस हो रहे हैं यार, 99 का लगा। चलो एक और लग जा, एक और। अरे गलत लगा रहा हूँ मैं, तो गलत लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे मेरे AWM में क्या हो गया यार, मैं रिलोड सही से नहीं कर पा रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई जोन भी श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। चलो यार मेरा तो अभी किस्मत ही खराब है। अब बंदे सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हैं, और मुझे भाई कुछ भी करके बुया लेना है। वैसे यार यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जोन नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, और अभी यहाँ पर वो बंदा ग्लू लगा है। अरे मुझे मारा कौन, किसने मारा, नहीं मुझे जोन जाना है। अरे यार नहीं यार, किसने थर्ड पार्टी कर लिया, नहीं यार तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए बादशाह भाई, नहीं यार बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब यार वैसे हमारे हाथ से आज का मैच तो जा चुका है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। वैसे वीडियो का लाइक एम भी प्लीज़ कंप्लीट कर देना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम लोग जब भी वीडियो छोड़े आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है, याद से कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए ताज़े फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।